सो फ्रेंड्स, अगला हमारे पास में डाउट है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा गया है कि पार्टिकल जो है वो यहाँ इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से चला था और यहाँ आने के बाद में उसका पाथ ऐसे बेंड हो गया इन अ नॉन सर्कुलर शेप। अब देखें यहाँ पर क्योंकि शेप नॉन सर्कुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अकेला मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो सर्कुलर पाथ में घुमाता है और ये नॉन सर्कुलर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के अलावा एक और फोर्स भी होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका कहना है कि मैग्नेटिक फोर्स के अलावा जो फोर्स यहाँ हो सकता है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। तो ऐसे में अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, अब बचे कौन से, बॉम्बे ऑप्शन और दिल्ली ऑप्शन। अब देख यहाँ पर अगर हम दिल्ली ऑप्शन को चेक करें, क्योंकि अब ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पाथ कैसा है, क्या शेप है, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हमें केवल ऑप्शन ही चेक करके उनको रिमूव करना पड़ेगा जो जो पॉसिबल नहीं है। तो जो बच जाएगा लास्ट में वही हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक, तो ए और सी तो कैंसिल हो गए, दिल्ली ऑप्शन क्यों गलत है वो समझे। दिल्ली ऑप्शन के अंदर क्या हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है सी के कैप और प्लस बी जी कैप। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक जेड कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड में एक वाई कंपोनेंट है। ठीक, ये जो वाई कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इंटू बी क्रॉस बी। अब हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स जो हुआ वो क्रॉस प्रोडक्ट से आया, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होगा। अब वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में थी, ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में थी, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्स डायरेक्शन में तो नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जेड डायरेक्शन में भी नहीं होगा और मैग्नेटिक फोर्स वाई डायरेक्शन में भी नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, फुल कंफ्यूजन। लेकिन यहां पे तो ये टर्न कर रहा है ऐसे वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ और ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, इसका मतलब मामला गड़बड़ हो गया है, तो डी ऑप्शन भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बचा कौन सा हमारे पास, सी ऑप्शन। तो हम चेक कर लेते हैं कि सी ऑप्शन सही क्यों है। तो सी ऑप्शन में कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ए आई क्या और मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सी के क्या प्लस ए आई क्या, ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि हमारे चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में तो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट है इसके बारे में देखें तो मैग्नेटिक फोर्स होता है वी क्रॉस बी, अब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड का भी ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को जब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जीरो। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, इस वाली वेलोसिटी को जब इसके साथ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, बचा कौन सा, ये के क्या। तो अगर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को जेड डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमको वाई डायरेक्शन का मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा, वो देख लेते हैं। ये हो गया आई कैप में, ये हो गया के कैप में, तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट में करना पड़ेगा आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के अगर करते हैं तो कौन सा डायरेक्शन मिलता है हमको, माइनस जे कैप। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा ऐसे, माइनस जे कैप, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसको नीचे की तरफ रोटेट कराएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको आगे की तरफ पुल करेगा, इसीलिए इसका जो शेप है वो सर्कुलर ना होकर के नॉन सर्कुलर बन जाएगा। क्लियर हो गया भाई।